कल्याण के वैष्णवी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े चोरी, लाखों का सोना लेकर फरार। मुंबई से सटे कल्याण में दिन दहाड़े वैष्णवी ज्वेलर्स में घुसकर चोर लाखों का सामान चोरी कर फरार हो गए। बता दें कि मंगलवार की दोपहर 3 चोर दुकान में सामान खरीदने के बहाने घुसे और दुकान में अकेले नौकर पर हमला कर सामान लेकर भागने लगे। इस बीच दुकान का मालिक आ गया। चोरों और मालिक के बीच झड़प हो गई, जिसमें दो चोर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन तीसरे को मालिक ने नौकर की मदद से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से उसके साथियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। ही चोरी होत असताना सुद्धा दुकानाचे मालक हे दुकानामध्ये आल्याने दोन आरोपी त्यांची झटापट झाली। दोन आरोपी पळून गेले, परंतु त्यांनी धाडसाने एका आरोपीला पकडले आणि त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले। अधिक माहिती घेतली असता सध्या दुकानातून साधारणपणे 190 ग्रॅम सोन्याचे दागिन्याची चोरी झाल्याचे समजून आले। त्याप्रमाणे कोळशेवाडी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये एक आरोपीला अटक केलेली आहे, त्याचं नाव रोशन सिंग चंदन सिंग सिसोदिया आहे। ते राहणारे राजस्थानचे आहेत। दोन आरोपी पळून गेलेले ते त्या राजस्थान याच्यातले आहेत। त्यांचे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत। त्यांचा तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साळवे कोळशेवाडी पोलीस स्टेशन हे करत आहेत। सदर गुन्ह्यातील एक आरोपीला पकडून आज त्याची कोर्टासमोर हजर केलं असता त्याला 22 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।